गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के प्रति गंभीर राज्य सरकार के प्रयासों को एक और कामयाबी मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक में प्रदेश के लिए 73.39 करोड़ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए कदम उठाना है। इससे नदी के प्रदूषण को कम करने और इकोसिस्टम को सुधारने में काफी मदद मिलेगी। नमामि गंगे और आईआईटी बीएचयू के बीच संस्थागत ढांचे के तहत वाराणसी में स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना सचिवालय की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना देश में छोटी नदियों के कायाकल्प के लिए पहल है। बुलंदशहर के गुलावटी के लिए पर्यावरणीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य गंगा की सहायक पूर्वी काली नदी के प्रदूषण को रोकना है।